म्यूजिक सिस्टम थोड़े टाइम के बाद में आप यूज टू हो जाएंगे, थोड़ा कानों में चुभता है क्योंकि। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर, और आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें शामिल है लगभग 1000 किलोमीटर की ड्राइव, और वो ड्राइव की है मैंने मारुति सुजुकी की सबसे महंगी गाड़ी इनविक्टो के साथ। इनविक्टो को भारतीय बाजार में एक अच्छी कीमत पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ही आती है, और हाई क्रॉस से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो कुछ फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले आपने और वीडियोस देख लिए हैं। अब मैं आपको चला के बताता हूँ कि जब मैं जोधपुर से निकला और दिल्ली तक गाज़ियाबाद अपने घर पहुँचा तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, क्या इसने माइलेज दिया, कैसा रहा मेरा कम्फर्ट, और जब इस बरसाती मौसम में आप निकल रहे होते हैं तो टूटे फूटे गड्ढे आपको हिलाते हैं या नहीं हिलाते हैं, क्या इसमें वो लग्जरी आपको मिलती है या नहीं मिलती है जो कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन में बताती है। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं इस इनविक्टो के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 1000 किलोमीटर की ड्राइव में। अगर मौके अच्छे हो ना तो उन्हें कभी नहीं छोड़ने चाहिए, खास करके अगर वो जुड़े हों ड्राइविंग से। तो मैंने क्या किया है वो अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब ये गाड़ी जोधपुर से दिल्ली लाने का मौका मुझे मिला कि आप ले जाओगे, तो मैंने तुरंत हाँ भर दी, और अपना शूट जो कर रहा था वहाँ पर उसे छोड़ के वो कंप्लीट कर चुका था ऑलमोस्ट, और इसके बाद मैं इस गाड़ी को लेकर निकल पड़ा बिना लेट किए। 12:19 पर मैं जोधपुर छोड़ चुका था, वहाँ से चला, टैंक पूरा फुल करवा लिया था ऑलरेडी, मैंने जहाँ पर टैंक भराया था वो इसका एक छोटा सा माइलेज टेस्ट भी किया था, आपने ऑलरेडी देख लिया है उसे। इसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या एक टैंक में पूरा कर पाएंगे यहाँ तक गाज़ियाबाद तक या नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरी इच्छा थी। तो वहाँ से लेकर निकला, 1987 cc का इंजन लगा हुआ है, मारुति के लिहाज से काफ़ी बड़ा इंजन है क्योंकि मारुति में अभी तक आपने इतना बड़ा इंजन एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो 184 hp का पावर आउटपुट और 206 nm का टॉर्क मेरे पॉकेट में था, जिसके सहारे मुझे पहुंचना था घर। लग्जरी की कोई सीमा ही नहीं, मतलब इस गाड़ी में आपको लग्जरी असीमित मिलती है। तो बस मुझे ये टेस्ट करना था कि जब मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकलूँगा और कम समय में कोई डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता था रास्ते अच्छे हैं, रास्ते कहीं से ख़राब नहीं होने वाले हैं, और वहाँ पर बस मैं यही एक्सपीरियंस करना चाहता था कि इस इनविक्टो से क्या वो वाला माइलेज मिल जाएगा जो कंपनी क्लेम करती है 23 point something का, इसके साथ ही क्या वो कंफर्ट मिल जाएगा जो कंपनी ने बहुत सारे दावे में बताया है। तो वो सब कुछ जानने के लिए निकल पड़ा मैं, और वहाँ से जब शुरू किया तो कुछ दूर तक मैंने सिंगल रोड का सामना किया, सिंगल रोड पर गाड़ी चलती रही। तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आप सिंगल रोड पर हैं और ओवरटेकिंग करते हैं तो इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं मिलने वाली, आप पटाक पटाक ओवरटेक करते चले जाएंगे और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो पुराने ज़माने में जैसे रास्ते पहले क्या होते थे, सिंगल ही होते थे तो दो तरफ से ट्रैफिक आता जाता रहता था, ऐसे रास्ते बहुत कम बचे हैं, खास करके कुछ स्टेट हाईवे ही आपको ऐसे करने की सहूलियत देते हैं, और साथ ही कुछ ट्रैफिक भी मिला। तो ट्रैफिक में बस यही बताऊंगा कि ट्रैफिक में अगर आप होगे तो ये गाड़ी आपके लिए वरदान साबित होगी, वहाँ पर बहुत सारा भर भर के माइलेज देके चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इसका जो सेल्फ चार्जिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है, कभी गाड़ी बैटरी पे चल रही होती है, कभी इंजन पे किक ऑफ हो रहा होता है, बैटरी चार्ज हो रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तो सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलने वाला है। और यहीं पर कुछ रास्ते भी ख़राब मिले मुझे कई जगह पर, क्योंकि जब मैं आगे आया तो हाईवे तक, मतलब मुझे जोधपुर से निकलने के 200 किलोमीटर के बाद में एक और, मतलब 200 किलोमीटर मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो पूरा वेल पेव्ड हाईवे था, और वहाँ पर मतलब बारिश हो रही थी झमाझम, और बारिश का जिक्र भी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर बरसात हो रही हो झमाझम, आपके पास कोई छोटी गाड़ी होती तो दिक्कत होती, कहीं विजिबिलिटी नहीं आ रही है, कहीं दिक्कत है क्या करें, कैसे नज़र आएगा, वाइपर सही काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस इनविक्टो में आपको तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है और जिस तरीके का विंडो एरिया दिया गया है, जो पैटर्न अपनाया गया है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो ओवरऑल विजिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो बारिश कितनी भी भयानक क्यों ना हो, आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान में अब तो राजाओं का ज़माना चला गया है, अब जो राजा वजा होते थे, लेकिन वहाँ पर सड़कों पर
बादशाह बनी हुई गायें भैंसें आपको बैठी हुई मिल जाएंगी और उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पर जब मैंने ब्रेकिंग, क्योंकि कई जगह ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग की, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी आराम से बाहर निकल गई। थोड़ा बॉडी रोल फील होता है जब आप भयंकर स्पीड में टर्न करने की कोशिश करते हैं, अगर आप जेंटल रहेंगे गाड़ी के साथ में तो आपको वो भी फील नहीं होगा। 17 इंचेस में, क्योंकि 18 मिलता है हाई क्रॉस में, तो उसे एक इंच छोटा आपको यहाँ पर टायर मिलता है। और जब लंबे टाइम के लिए, जब लंबा आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो केबिन में इंसुलेशन और थोड़ा बेटर लगता है। पता नहीं, मैं बहुत देर से जाने की कोशिश कर रहा था, बट केबिन इंसुलेशन मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था उससे। और जब ख़राब रास्ते आ रहे थे तो वहाँ पर आराम से मैं निकल पा रहा था। कई जगह पानी भरे भी रास्ते थे, उबड़ खाबड़ रास्ते थे। हालाँकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भैया 100 की स्पीड पर एकदम जंप करा दीजिए स्पीड ब्रेकर, लेकिन अगर आप जेंटली वहाँ पर स्पीड स्लो करके निकल रहे हैं तो पीछे बैठे यात्री को एहसास भी नहीं होगा कि आपने एक स्पीड ब्रेकर पार किया है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए गाड़ी नहीं बनी है, आपको बस क्लियर कर दूं। लेकिन अगर रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ते कुछ ऐसे आते हैं, टूटे फूटे ग्रेवल वाले, तो वहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी, निकाल के आगे लेके चली जाएगी। तो बरसात में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी से। और जब हाईवे पर चल रहा था तो हाईवे पर अच्छी चीज़ लग रही थी कि मैं एक मतलब बढ़िया स्पीड फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा टाइम से पहुंच जाऊं। दूसरे दिन मुझे एक लॉन्च पे जाना था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि पूरी रात गाड़ी चलाऊं। 750 किलोमीटर का सफ़र था, तो वहां से जो गूगल मैप दिखा रहा था वो बता रहा था कि आपको लगभग 10:18 के आसपास आप घर पहुँचेंगे। और वहाँ से मुझे जब चला तो मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि 12:19 से लेकर 10:18 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम को भी मैं देखना चाह रहा था, क्या मैं बीट कर पाऊँगा। मैं जब ड्राइव करता हूं तो बहुत सारे ब्रेक्स नहीं लेता हूं, बायो ब्रेक हो गया कई बार, एक आध जगह ज़रूरत पड़ी, नहीं तो कोशिश करता हूं कि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो निकलते चले जाओ। तो वहां पर स्पीड, मतलब यहां पर जब आप बात कर रहे होंगे कि कितनी रफ्तार दे सकती है, तो उस रफ्तार का जिक्र तो मैं कर ही नहीं सकता हूं इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वो रफ्तार इतनी है कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी की। लेकिन जो डिसिप्लिन वे है जहां पर आप चला सकते हैं, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को काफ़ी चलाया। जब मैं एक जगह आया तो एक फागी जगह है शायद एग्जैक्टली ये जयपुर की तरफ, तो मुझे गूगल मैप ने सजेस्ट किया कि फास्टेस्ट रूट इधर से आप ले लो। सिंगल हाईवे करीबन 70 किलोमीटर का मुझे मिला, जिसने मुझे कनेक्ट किया जयपुर आउटर रिंग रोड पर, और उस पर मुझे उस रास्ते ने चढ़ाया। और वहाँ पर मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पर पूरा मिक्स रास्ता मुझे मिला और वो मज़ेदार था। तो 70-80 की स्पीड वहाँ पर फॉलो कर रहा था और मेरी गाड़ी भी खुश हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर इसका हाइब्रिड सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था और माइलेज वहाँ पर 14 के आसपास मुझे नज़र आ रहा था। जब मैंने उसे पार किया, आउटर रिंग रोड पर चढ़ा जयपुर के, बहुत भयानक बारिश थी। और बारिश में फिर वही मुझे देखना चाह रहा था कि कितना, क्योंकि वो जो पहले वाली बारिश झेली थी उससे ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैं आउटर रिंग रोड पार किया और फिर मैं दौसा की तरफ चलना शुरू किया, आगरा जयपुर हाईवे पर पहुँचा, क्योंकि वहीं से कनेक्ट होता है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, तब तक आराम से, मतलब वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक मिला, लेकिन ट्रैफिक में वही चीज़, मतलब इस गाड़ी में आपको पता नहीं चलता, ये गाड़ी ऐसी है जो अपनी ऑटोमेटिक के सहारे आपको आगे बढ़ाती रहती है। वहाँ पे आपको ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक सताने वाला नहीं, आपको थकाने वाला नहीं है, और थकावट का भी जिक्र किया जाएगा बाद में सबसे लास्ट में। तो मैं जब मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहुँचा तो वहाँ पर आप सबको पता है कि स्पीड अलाउड है 120, और मैंने इस गाड़ी को पूरे टाइम मतलब 120 पर क्रूज़ कंट्रोल पर डाल कर छोड़ दिया। और जब तक मैं KMP हाईवे के लिए एग्ज़िट नहीं मार रहा था तब तक ये चला, और ये चीज़ बड़े अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी गाड़ी में, कि जो इसकी रफ्तार है 120 तक, और उसका जो हाइब्रिड सिस्टम कैसे, मैं वहाँ देखने की कोशिश कर रहा था, बीच बीच में कभी कभार आ रहा था, तो वहाँ पर हाइब्रिड ना के बराबर आता है, ये गाड़ी पेट्रोल पर ही चल रही होती, लेकिन इंसुलेशन पूरा बना रहता है केबिन में, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है। जब भी कोई जॉइंट्स आते हैं रोड पर तो वो सारी गाड़ियों में पता चलता है, वो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, रोड की गलती है, गाड़ी की गलती नहीं है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा। और जब मैं वहाँ से फरीदाबाद होते हुए अपने घर पहुँचा, तो आपको बता दूँ मैं 9:24-22 पर अपने घर पहुँच गया था। तो मतलब साफ है कि मैं गूगल मैप को पीछे छोड़ चुका था, उसको बीट कर दिया था गूगल मैप के साथ। मतलब एक घंटे में फास्ट अपने घर आ गया, लगभग 700, मैंने वहाँ से शुरू किया था 529 पर, और घर पहुँचा तो 1200 किलोमीटर मेरे ओडोमीटर पर था। तो इस तरह से 750 किलोमीटर की ड्राइव थी। मुझे लगता है कि 750 किलोमीटर नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने 150 किलोमीटर के आसपास जोधपुर में भी किया था, तो 850-900 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया। और इसके बाद में जो अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे लगता है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा इस गाड़ी को अच्छे से समझने के लिए। कम्फर्ट का जिक्र ज़रूरी है, थकावट का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि कितना थका मैं वो भी जानना चाहिए आपको। तो मैं नहीं थका,
ये मैं बहुत बड़े प्राउडली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे थकावट एकदम महसूस नहीं हुई और आराम से मैं आया। और अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ दोबारा, तो मैं एक लॉन्च पे जा रहा हूँ, आप मेरे चेहरे से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना थका हूँ। म्यूज़िक सिस्टम थोड़े टाइम के बाद में आप यूज़ टू हो जाएंगे, थोड़ा कानों में चुभता है क्योंकि JBL अगर होता, छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने कट की हैं, एडास के फीचर मिस किए मैंने, JBL का साउंड सिस्टम मिस किया, यूटिलिटी स्पेसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। पीछे सीट पर मैं गया नहीं, बट मेरे साथ जो बंदा बैठा था वो बड़े आराम से बैठा था, तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, एप्पल कारप्ले यूज़ करता हूँ, रास्ता देखते हुए मैं आराम से आगे बढ़ रहा था। विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, इतनी बड़ी गाड़ी कार जैसी फील होती है, जैसे छोटी गाड़ियाँ होती वैसे फील होती है जैसे आप उसे चला रहे हैं। तो ये लग्जरी के साथ साथ में जो इसका कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है मारुति के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जो रवैया इस गाड़ी के साथ मारुति ने दिखाया है, जिस तरीके का उनका अप्रोच है, और हाई क्रॉस से जो लोग कंपेयर कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो मुझे लगता है कि इन विक्टो में बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी मिलने वाली हैं जो हाई क्रॉस से बेहतर तो नहीं होगी, बट ये मारुति के साथ मारुति के भरोसे को जरूर दे जाएंगी आपको, और जहाँ पर आप डिसीजन बना पाएंगे। तो इस कीमत में और इतनी बड़ी गाड़ी के साथ में एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि अगर आप अब इनोवा क्रिस्टा नहीं खरीदते हैं, तो आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो माइलेज कभी भी नीचे नहीं जाने देगी। तो आप जानना चाह रहे हो कि माइलेज कितना मिला, तो जो पूरा ओवरऑल माइलेज था जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो हमेशा इस मतलब मुझे, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलाया था गाड़ी, 120 पर गाड़ी चली थी, अगर 100 तक चलाएंगे तो आपको रफ्तार माइलेज कुछ और मिलेगा, सिटी में चलाएंगे कुछ और मिलेगा। जो इस ट्रिप का माइलेज था मेरा ओवरऑल, वो 13.2 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ही मुझे मिला, और इससे ज़्यादा माइलेज मुझे नहीं मिला। इसके अलावा जो माइलेज मुझे ऊपर मिला था, आपको पहले जिक्र किया था, वो अलग था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक कंसिस्टेंट स्पीड थी 100 वाली, और उस पर मैंने ड्राइव किया था और वहाँ पर वो माइलेज बताया था। तो आपके सामने कई सारे वैरायटी वाले माइलेज मिलने वाले हैं, अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक वाला रास्ता नहीं होगा, बहुत सारे खुले हाईवे होंगे, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस एकदम अलग होने वाला है। कुशनिंग वगैरह अच्छी रहती है, वेंटिलेटेड सीट अच्छे से काम करते हैं, एसी बहुत अच्छे से काम करता है, और यहाँ पर चीज़ें आपके आपको अप्रोच करती हैं कि इस गाड़ी के लिए एक ऑप्शन के तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में जो मैंने सब कुछ इससे एक्सपीरियंस किया, वो आपके सामने रख दिया, और ये पहली इन्विक्टो बनी जिसने 1000 किलोमीटर का आंकड़ा पार किया ओडोमीटर क्योंकि बहुत सारे लोगों नहीं मिली थी, तो वहाँ पे अपना आए लोग ड्राइव करके चले गए, बट मुझे मौका मिला तो मैंने चला के जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपके सामने रख दिया। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ग्राउंड क्लियरेंस परफेक्ट है इसका, कहीं पे आपको सताने वाला नहीं है, और साथ जब शहरी ट्रैफिक में चल रहे होंगे तो वहाँ पर भी आराम से मतलब इसे आप फ्लिप करके निकाल सकते हैं गाड़ी कहीं जहाँ ज़रूरत पड़े। ये नहीं कि आपको धीरे धीरे किसी के सहारे चलना है, तो लोग देखते हैं मुड़कर इस गाड़ी को, अच्छी बात है, क्योंकि रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, फीचर्स भी काम के हैं। मुझे लगता है कुछ चीज़ें मारुति अगर ध्यान देती, जैसे अब इन्विक्टो लेके आ रहे थे तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे ये वाला दिया गया मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता था, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट लगता है, ये मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो टच एंड फील था, वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद में अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो आप भरोसा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये एक्सपीरियंस, हमारी ये ड्राइव, अब आपको कमेंट करके बताना है, इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में। कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और आपके जहन में सवाल है जो आप इस इन्विक्टो के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvithi, जो आप सवाल करेंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा।